सारी कायनात का खालिक मालिक मेरा और आपका मुरब्बी है, उसे अल्लाह के लिए सारी तारीफें जो गफूर है, गफ्फार है, करीम है, सत्तार है। बाद इसके आपके मेरे आका दो जहाँ के सरदार सरदार लंबिया पर थोड़ा करोड़ अनगिनत बेशुमार दुरूद व सलाम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। काबिल एहतराम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, नौजवान साथियों, कुरान मजीद की दो आयतों की मैंने तिलावत की है। मेरी दो आयतें पारा नंबर 4 सूरे आले इमरान, सूरा नंबर 3 उसके रुकू नंबर 14 की दो आयतें आयत नंबर 137 और 138 137 और 138। अल्लाह तबारक तआला कहता है क़द खलत मिन क़ब्लिकुम सुनन, क़द यानी बेशक, क़द और लक़द दोनों अरबी जुबान में बेशक के माने देते हैं। और ये लफ्ज क़द खास तौर पर माजी पर लगता है। कद खलत, ये खलत क्या है? माजी का लफ्ज है, फेले माजी है। कद खलत बेशक गुजर चुका है, कद खलत बेशक गुजर चुका है मिन कब्लिकुम तुमसे पहले। मुखातिबत इसमें सहाबा कराम है। कौन से सहाबा कराम है? बिलखुसूस वो सहाबा कराम है जो गज़वे उहद के लिए निकले थे, जो गज़वे उहद के लिए निकले थे। अब फिर यहां पर गज़वे उहद की तरफ अल्लाह तआला ने इशारा किया, गज़वे उहद का फिर यहां पर अल्लाह ने तस्करा किया। मिन कब्लिकुम तुमसे पहले जो बेशक जो लोग गुजर चुके हैं, या बेशक तुमसे पहले जो कुछ गुजर चुका है वो क्या है? सुनन। सुनन का यहां जो तर्जुमा है वो वाक्यात, वो तारीख के वो औराक, वो किस्से, वो वाक्यात जो गुजर चुके हैं। सुनन का तर्जुमा यहां पर अक्सर मुतरजिमी ने मुफसिर ने ये लिया है, सुनन जो कि सुन्नत की जमा है, यानी कि यहाँ पर वाक्या। क़द खलत मिन क़ब्लिकुम सुनन, बेशक गुजर चुका है तुमसे पहले इसी किस्म के वाक्यात, गुजर चुके हैं तुमसे पहले इसी किस्म के वाक्यात। लफ्ज़ सुनन जो कि सुन्नत की जमा है, इसका मतलब है तरीका, रास्ता, यानी कि इस किस्म के रास्ते, इस किस्म के टाइप्स, इस किस्म की किस्में, अलग अलग तरीके के
तुमसे पहले बहुत सारे ऐसे वाक़ियात बेशुमार हो चुके हैं। क़द ख़लत मिन क़ब्लिकुम सुनन, ऐ वो सहाबा जो ग़ज़वे उहद में शरीक हुए, सुन लो, गमगीन ना हो, अज़मुर्दा ना हो, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ इस किस्म के वाक़ियात इससे पहले बहुत हो चुके हैं। फसीरू, लिहाजा फसीरू, सैर करो, ये उर्दू का ही लफ्ज है, फसीरू यानी सैर करना, सैर व तफरी करना, चल फिर कर देख लेना, चक्कर लगाना, फसीरू लिहाजा सैर करके देख लो, फिल अर्ध पूरी जमीन में, फसीरू फिल अर्ध फंदुरू लिहाजा ताकि तुम देख सको और देखो, फंजुरू और देखो, कैफ कान आकिबतुल मुकद्दिबीन कि किस तरह मुकद्दिबीन का जुटलाने वालों का अंजाम क्या हुआ। वदखलत मिन क़ब्लिकुम सुनन, ऐ वो सहाबा, ऐ वो नबी के सहाबा जो ग़ज़वे उहद में शरीक हुए, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है ये कोई अनोखी बात नहीं है, इससे पहले की उम्मतों पर ऐसे बहुत से वाक़ियात हो चुके हैं। अगर तुम्हें दलील के तौर पर देखना है तो दुनिया का चक्कर लगाओ, इस दुनिया के अंदर सैर करके देख लो, तुम्हें बहुत से दलाइल मिलेंगे कि वाकई अंजाम जो है, जो बुरा हुआ वो मुकद्दिरीन का हुआ है, झुटलाने वालों का हुआ है, कभी भी ईमान वालों का अल्लाह ने नुकसान नहीं किया। वक्ती तौर पर कोई आजमाइश हो सकती है, वक्ती तौर पर कोई गजन, कोई तकलीफ पहुंच सकती है, मगर अंजाम आकिबा, अंजाम जो है हमेशा जो बुरा हुआ है वो किसका हुआ है, झुटलाने वालों का। इशारा किया अल्लाह तबारक तआला ने ग़ज़वे उहद में आए हुए काफिरों की तरफ, मुशरिकीन मक्का और कुफार मक्का की तरफ अल्लाह तबारक तआला इशारा करते हुए अल्लाह ने कहा कि असल में अंजाम जो बुरा होने वाला है इनका ही होने वाला है और इनका ही होगा, मगर जो तुम्हारे साथ हुआ तुम उस पर अफसोस न करो। क्यों अल्लाह ने बात कही, असल में अल्लाह तबारक तआला सहाबा को दिलासा दिला रहा है, इत्मीनान कल्बी की बात कर रहा है, क्योंकि ग़ज़वे उहद में, हालांकि ग़ज़वे बदर के मुकाबले में सहाबा की तादाद ज़्यादा थी, नया जोश था, बिलखुसूस सहाबा का जो ग़ज़वे बदर में शरीक ना हो सके थे, इतना सब कुछ होने के बाद भी 70 सहाबा कत्ल किए गए, 70 सहाबा शहीद हुए, 70। ये जो तकलीफ हुई सहाबा कराम को ये बहुत ज्यादा थी, 70 सहाबा का शहीद होना ये सहाबा के लिए बहुत ज्यादा तकलीफदायक थी कि हम ईमान लाने वाले, हम ईमान वाले, अल्लाह के राह में हमने लड़ाई की, जंग किया, फिर भी हमें नुकसान उठाना पड़ा। अल्लाह कहता है कि तुम ईमान वाले हो, तुम अल्लाह के चाहने वाले हो, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। इससे ये साबित नहीं होता है कि तुम्हें तकलीफ नहीं होगी, तुम मुश्किलात से दो चार नहीं होगे, ऐसा नहीं है। इस बात से हमें क्या नसीहत हुई, इस बात से हमें ये नसीहत मिली कि हम ईमान वाले हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी दुनिया की जिंदगी बड़े सुकून और चैन से गुजरेगी, या हम दीन का दामन थाम लेंगे तो जरूरी नहीं है कि दुनिया हमारे कदमों में ही आ जाए, ये जरूरी नहीं है। हमें हो सकता है बहुत तकलीफें उठानी पड़े, मुमकिन है, जैसा अल्लाह तआला सहाबा कराम से कह रहा है, तुम ईमान वाले और नबी पर तुम ईमान ले आए, नबी का तुमने साथ दिया, मगर फिर भी तुमको नुकसान उठाना पड़ा, तुम्हारे बहुत सारे अफराद
शहीद कर दिए गए। तो गोया कि जरूरी नहीं है कि तुम ईमान लाने के बाद, इस्लाम को मानने के बाद भी तुम्हारा नुकसान ना हो, ऐसा जरूरी नहीं है। नुकसान हो सकता है, मुमकिन है, भी तुम्हारी आजमाइश है। मगर याद रखो, ईमान वालों का हमेशा अंजाम बिल्कुल सही होता है, रिजल्ट हमेशा गुड ही निकलता है, अच्छा ही निकलता है ईमान वालों का। दूसरी बात क्या मालूम है, पहली बात तो ये नसीहत मिली इस आयत से कि इंशाल्लाह इसका पस मंजर रखूंगा मैं, पहले इस आयत से असल जो मफहूम है वो ले लेते हैं, असल नसीहत है। पहली बात इस आयत के टुकड़े से मालूम हुई कि ईमान लाने के बाद, इस्लाम पर अमल करने के बाद तकलीफ ना हो, ऐसी कोई कैद नहीं, ऐसी कोई शर्त नहीं है। ईमान लाने के बाद, इस्लाम पर अमल करने के बाद भी तकलीफ पहुंच सकती है, उसको बर्दाश्त ही करना होगा, वो तकदीर का हिस्सा होती है। हम तकदीर के ना तकदीर से भाग सकते हैं, ना तकदीर से बाहर निकल सकते हैं। अल्लाह की तकदीर गालिब आकर रहेगी, तो अगर कोई वक्ती तौर पर कोई तकलीफ हो तो उसको सबर करना चाहिए। एक बात इससे भी मालूम हुई कि एक मोमिन को अगर कोई चीज किसी किस्म की तकलीफ होती है तो वो वक्ती होती है, दैट इज फॉर ए टाइम पीरियड, वक्ती तौर पर वो तकलीफ होती है। अगर वो उस वक्त सबर कर ले तो अल्लाह तआला वादा करता है, गारंटी देता है, इसके बाद अच्छे ही हालात आएंगे। अगर एक मोमिन इस तरह तजुर्बा करता जाए कि एक महीना पहले मुसीबत में था, फिर मुसीबत में, फिर 15 दिन गुजरे, फिर मुसीबत में, अरे क्या जिंदगी मेरी झंझाल बन गई, दो चार गुजरते दिन गुजरते फिर मुसीबत आ जाता। असल में ये उन्हीं चीजों पर अपनी निगाह गड़ाए रखा है जब ये मुश्किल से दो चार होता है, उन आसानियों की तरफ इसकी निगाह नहीं है जो उसके 10-15 दिन एक महीना जो सुकून के जो गुजरे उस पर उसका ध्यान नहीं है। अच्छा बहरहाल, हर महीने में, हर 15 दिन में इस पर जो मुसीबतें आ रही है, परेशानियों से दो चार हो रहा है, क्या इसको इस बात पर यकीन नहीं है कि मोमिनों का हमेशा अंजाम का बेहतरी होता है? अगर यकीन है तो सबर करें, इंशाल्लाह इसी सबर ही की वजह से, इसी ईमान और यकीन ही की वजह से ऐसे अच्छे हालात आएंगे कि बार बार मुसीबत से दो चार नहीं होगा। अगर ये यकीन और ईमान जागुजी हो जाए दिल में, तो आज हम मुसलमानों और मोमिनों का यह हाल है कि मुसीबत से दो चार होते ही अपनी जिंदगी के लिए ठप्पा लगा लेते हैं, अपनी जिंदगी के लिए एक फार्मूला बना देते हैं कि मैं हर बार मुसीबत में फंसता ही हूं, हर बार मुसीबत दो चार होता ही हूं, हम ये समझ लेते हैं। गोया कि हमने जिंदगी भर के लिए लॉक कर दिया कि मेरी जिंदगी हमेशा परेशानी में गुजरेगी। मैं पूछता हूं, मुस्तकबिल का किसको पता है? मुस्तकबिल का, तकदीर का किसको पता है? भविष्यवाणी कोई बोल सकता है? कोई भविष्यवाणी समझ सकता है खुद के ताल्लुक से? अगर कोई इस किस्म का दावा करे तो जाहिर सी बात है वो अल्लाह के इल्म पर हाथ डाल रहा है, कबीरा गुनाहों में से, जादूगरों में से हो जाएगा, और जादूगरी सजा कत्ल होती है। मुस्तकबिल का दावा नहीं कर सकते, तो क्यों अपनी जिंदगी के ताल्लुक से, अपने माजी के तजुर्बा से हम मुस्तकबिल का फैसला ही कर डालें? बजाय फैसला करने के हमें सबर करना चाहिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार हो सकता है हम किसी मुसीबत से दो चार हो, तब भी हमें सबर ही से उसका मुकाबला करना चाहिए और इस बात का यकीन रखना चाहिए। वल्आकिबतु लिल्मुत्तकीन, हमेशा मुत्तकियों का, परहेजगारों का अंजाम अच्छा ही होता है। और सबसे बड़ी नेमत हमारे लिए यह है कि अल्लाह ने हमें करोड़ इंसानों की आबादी में, मुसलमानों में, मुसलमान के घराने में ही पैदा किया, जबकि हमने ये न चाहा था न हमने सोचा था। सबसे बड़ा इनाम और इकराम रब का हम पर क्या हुआ? वो चीज अल्लाह ने दी जो हमने न सोची थी न हमने मांगी थी। मुसलमान घराने में अल्लाह ने पैदा कर दिया, सबसे बड़ा एहसान किया। मुसलमान मोमिन होता है, मुत्तकी होता है, दूसरों के मुकाबले में इसमें तकवा होता ही है इंशाल्लाह। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है, कोई ज्यादा मुत्तकी होगा, कोई कम मुत्तकी होगा, मगर गैर के मुकाबले में, काफिरों के मुकाबले में एक मुसलमान में, अदना से अदना मुसलमान में तकवा ईमान होता ही है। उसी तकवे और ईमान की बदौलत उसका अंजाम का बेहतर ही होगा, इस बात पर यकीन रखना चाहिए। जिसके अंदर यकीन होगा वो दुनिया में भी कामयाब
कामयाब होगा और आखिर में भी कामयाब होगा। जिसको इस बात का, जो इस बात को यकीन ही नहीं करता और कहता है कि मेरा मेरी जिंदगी जंजाल बन गई है, वो हमेशा जिंदगी के मुसीबतों से दो चार होता रहेगा। तो पहला जो नुक्ता इस आयत से मालूम हुआ वो ये कि हम इस्लाम कबूल कर ले, इस्लाम को मान ले, ईमान ले आए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुसीबतों से आजाद हो जाएंगे, जिंदगी पुरसुकून गुजरेगी, ऐसा नहीं है। मुसीबतें आएंगी, दो चार होंगे, मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, मगर इस बात का यकीन भी रखे कि अंजाम कार हमेशा मुत्तकियों के लिए है, मोमिनों के लिए, सबर करने वालों के लिए। हमेशा बेहतर अंजाम किसका होता है? एक मोमिन का, एक मुसलमान का ही होता है। तो उस अंजाम कार के लिए उम्मीद लगाए इंशाअल्लाह। दुनिया में तो इसी ईमान और यकीन की वजह से अल्लाह ताला अच्छे हालात लाएगा, पुरसुकून जिंदगी लाएगा, साथ ही साथ मुसीबतों से लड़ते हुए एक दिन हम मौत के आगोश में चले जाएंगे। हमारे इसी ईमान और यकीन की वजह से अल्लाह ताला हमें उखरवी जिंदगी में कामयाब करेगा, क्योंकि हमारा क्या अकीदा था, हमने ये जिंदगी और इसी बात पर यकीन रखा कि अंजाम कार हमेशा मुत्तकियों के लिए बेहतर होता है। और मैं मुत्तकी हूँ, मैं मोमिन हूँ, मैं मुसलमान हूँ, इस बात का यकीन होना बहुत जरूरी है। मैं मोमिन हूँ, मैं मुत्तकी हूँ, मैं मुसलमान हूँ, और बेहतर अंजाम मेरा ही होगा इंशाअल्लाह। ये उम्मीद के साथ अगर इंसान मर जाए तो नबी सल्लम कहते हैं, सही बुखारी वगैरह की हदीस है कि बंदा जिस उम्मीद के साथ मौत के वक्त मरता है, अल्लाह तआला उसकी उम्मीद के हिसाब से उससे मुलाकात भी करता है। उसकी उम्मीद ये थी कि मेरा अंजाम अच्छा होगा क्योंकि मैं अल्लाह का मानने वाला हूँ, अल्लाह से डरने, जैसा भी ईमान है उसका, जैसा भी ईमान है, इस उम्मीद साथ मरता है, इसी उम्मीद के हिसाब से अल्लाह ताला उसको देगा भी। और अतरा से अतरा मुसलमान क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अहादीस में इतनी ज्यादा फजीलत आई है कि अगर एक मुसलमान है, अतना से अतना दर्जे का मुसलमान है, तब भी उसकी तहकीर नहीं कर सकते, उसको जलील नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी वैल्यू है। एक अतना से अतना मुसलमान की इज्जत, अहादीस में क्या आता है, अतना से अतना मुसलमान की इज्जत खाने काबा की इज्जत से बढ़कर है। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ईमान की कितनी बड़ी अहमियत है। मुसलमान बनना, मुसलमान के घराने पैदा होना भी बहुत शान की बात है, और वो अल्लाह ने हमको दे दिया बिन मांगे, बिन सोचे, बगैर किसी प्लानिंग के। हम तो अल्लाह के नाम पर रोते रहते हैं कि अल्लाह इतना अच्छा सोच लिया था, इतनी अच्छी कोशिश कर लिया, दिया नहीं तूने, उसको भी अभी टपकना था, इसको भी अभी कारी करना था, इसको भी अभी दखलंदाजी करना था, अल्लाह के नाम पर रोते रहते हैं, जबकि ऐसी बड़ी बड़ी नियामत अल्लाह ने हमें दिया है जो बिन मांगे और बिन सोचे बगैर प्लानिंग के अल्लाह ने दिया है, तो इस पर शुक्र अदा करना चाहिए। तो सहाबा को अल्लाह तआला कहता है कि ऐ नबी के सहाबा, गम ना करो, तुम्हारे बहुत सारे लोग इस जंग में कत्ल किए गए, शहीद हो गए, गम ना करो। वक्ती तौर पर जो तुम्हें तकलीफ हो रही है इस पर परेशान ना हो, बल्कि अंजाम का हमेशा मुत्तकियों का होता है, ईमान वालों का होता है, तुम्हारा भी अंजाम बेहतर ही होगा। और देखो अगर तुम्हें मेरी, अल्लाह कहता है मेरी बात की दलील चाहिए, तो देखो फसीरू फिल अर्ध, जमीन में सैर करके देखो कि हमेशा कई फकान है आकिबतुल मुकद्दिबीन, बदकारों का, झुटलाने वालों का अंजाम क्या हुआ है, होया के बुरा ही हुआ है। यहां पर एक नुकता और काबिल गौर है कि अल्लाह तबारकुल्लाह चाहे तो अपनी बात रख दे, दो रोक टोक, जैसा कि अल्लाह तबारकुल्लाह कई जगह करता भी है, कई जगह अल्लाह ने अपनी बात दो रोक टोक रख दी, क्योंकि अल्लाह तबारकुल्लाह इस बात की फिक्र नहीं है कि कोई उसके जुमले का एनालाइजेशन करे, एनालाइजेशन करेगा, तज्जिया करेगा, और बात के सही और गलत होने का के लिए शक पैदा करेगा। अल्लाह इस बात का डर और खौफ नहीं है, है ना। अल्लाह चाहता तो दो रोक बात रख सकता था, मगर फिर भी अल्लाह तबारक तआला ने जहां सहाबा को तकलीफ हुई थी, गज़वे उहद में तकलीफ हुई थी, उस तकलीफ का ख्याल रखते हुए अल्लाह ने अपनी बात भी रख दिया, कहा कि देखो मुत्तकियों का अंजाम ही बहुत बेहतर होता है। साथ में दलील दी अल्लाह ने, क्या दलील दी, फसीरू फिल अर्ध, जाओ जमीन में सैर करके देखो, अंजाम हमेशा बुरे लोगों का, मुकद्दिबीन का, झुटलाने वालों का अंजाम ही हमेशा बुरा हुआ है। ये दलील दी अल्लाह ने, क्यों, क्योंकि ये जो माजी है, ये जो तारीख है, ये सबसे बड़ी दलील होती है कि किसका अंजाम अच्छा हुआ है, किसका अंजाम बुरा हुआ है। तो तारीख से
हाल समझ में आता है और हाल से मुस्तकबिल का अंदाजा किया जा सकता है। अल्लाह तबारक तआला सहाबा को कहा कि गम न करो, तकलीफ में न रहो, वक्ती तकलीफ को बर्दाश्त कर लो, इंशाल्लाह अंजाम कार तुम्हारा ही बेहतर होगा। और मुकद्दिबीन झुटलाने वालों का, अल्लाह उसके रसूल को और आसमानी चीज़ों को झुटलाने वालों का अंजाम हमेशा बुरा होने वाला है। तो ये जो अल्लाह ने नसीहत किया, जिसका मुख्तसर तौर पर मैंने गज़वे उहद का तस्किरा करते हुए उस वाक़े से जोड़ते हुए जो नसीहत मैंने आपके आगे रखी उसके तालुक से अल्लाह कहता है हाज़ा बयानुल लिन्नास। ये जो आयतें हैं, दोनों आयतें, ये बराए रास्त अगली आयतों से इनका ताल्लुक है, पिछली आयतों से नहीं है। पिछली आयतें पूरी नसीहत से जुड़ी हुई थी और ख़ास कोई गज़वे अहद से, गज़वे उहद वाक्य वाले वाक्य से कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है, मगर इन दो आयतों का अगली आयतों से बराए रास्त ताल्लुक है। इसलिए हम इन दो आयतों को सेपरेट ले रहे हैं, फिर अगले जो इसमें बड़ा रास्त गज़वे उहद का ही तस्किरा है ख़ास तौर पर, उसको हम अगले दर्स में लेंगे। मगर ये दो आयतें, हालांकि गज़वे उहद का न इसमें नाम है न किसी किस्म का ऐसा इशारा नज़र आ रहा है, मगर हकीकतन ये गज़वे उहद ही के ताल्लुक से है। इंशाल्लाह अगर गज़वे उहद को उस वाक्य को आपके सामने रखूँगा तो और ज़्यादा ये बात वाजह हो जाएगी। तो अल्लाह तबारक तआला ये जो नसीहत अल्लाह ने की आयत नंबर 137 के अंदर और कुरान मजीद में जगह जगह पर इस किस्म की जो नसीहतें करता है कि तकलीफ़ आने पर बेसब्रा न हो, परेशान न हो, पशेमा न हो, बल्कि सब्र से काम ले और मुसीबतों का मुकाबला करे, इस बात का यकीन रखे कि मुसलमानों के लिए ही, ईमान वालों के लिए अंजाम कार बेहतर होता है और झुटलाने वालों के लिए ही, कुफार के लिए इसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है, इस बात का यकीन रखे। ज़िंदगी सुकून से कटेगी और उखरवी एतबार से आखिरत में इसी नेक नियति की वजह से, इसी सही ईमान की वजह से अल्लाह तबारक तआला कामयाब भी करेगा। तो अल्लाह कहता है हादा बयानुल लिन्नास, हादा ये जो है नसीहत बयान है, बयान क्या है ये हम लोग बोलते हैं ना, मौलाना ने बयान किया, फला जगह बयान रखा हुआ था, बयान क्या है, बय्यन से बना हुआ लफ्ज है, बय्यन मतलब वाज़ह करना, बयान वो है जो वाज़ह करे बात को, खूब एक्सप्लेन करे, सिर्फ एक्सप्लेन नहीं, बयान जो लफ्ज है एक्सप्लेन की मीनिंग नहीं होता, खूब एक्सप्लेन, खूब एक्सप्लेन करे उसको कहते बयान। तो जिसमें बात की वजाहत हो, तह तक बात पहुंचाई जाए, बुनियाद से लेकर आखिर तक उस बात को समझा जाए उसको कहते हैं बयान। पर अफसोस अफसोस आजकल बयानों में बजाय बयान करके बात को वाजा करने के, बाद लोग बयान करके बात को घुमा डालते हैं, इस किस्म के घुमन लोग, घुमन कहते हैं घुमाने वाले को, इस किस्म के घुमन लोग हैं जो बजाय बयान करके, तकरीर करके बात को वाजा करने के बात को घुमा देते हैं, जो कि हक होता है उसको बातिल कर देते हैं, जो बातिल होता है उसको हक बना के पेश करने की कोशिश करते हैं। यही है इस उम्मत के उलमाए सू, बयान कहते हैं वाज़ह करने वाला। इसलिए बारा कहता हूँ कि बयान ऐसा हो, बात करने का अंदाज हो ऐसा हो कि हर आम और खास भी उस बात को समझ सके। इतना ही नहीं, नबी वसल्लम ने बयान लफ्ज़ बयान के तालुक से बड़ी प्यारी हदीस कही है, अलग अलग उल्मा अलग अलग इस्तदलाल करते हैं उस हदीस से, हदीस के टुकड़े से, सही बुखारी वगैरह की हदीस है। आप सल्लम एक मरतबा बैठे हुए थे, एक शख्स आया और आप सल्लम आगे कोई बात कहने लगा, आप सल्लम बड़े गौर से उसकी बात सुनने लगे, कौन है ये, नबी है, है ना। आप सल्लम उसकी बात बड़े गौर सुनने, वो बात करके जब चला गया तो आप सल्लम ने कहा इन लबयानु सिहरुन, इन बादल बयानु लसहरुन, इस किस्म के अल्फाज आते हैं। क्या कहा आप सल्लम ने, कहा कि बेशक, बेशक का लफ्ज है उसमें, बेशक बाज बयान जादू भरे होते हैं, लसहरुन यानी बात करने का अंदाज ऐसा होता है कि इंसान उसमें मगन हो जाता है, गुम हो जाता है और सुनने में लग जाता है, इसी को क्या कहते हैं जादूगरी, जादूगरी। इस पे से अगर मैं एक और नुक्ता निकालूं तो बड़ी हैरत होगी कि जो लोग, जिन लोगों ने हाथ की सफाई, हिप्नोटिज्म, मिसमराइजेशन,
जादूगरी में जिन्होंने रिसर्च की है वो कहते हैं जादू की इब्तिदा होती ही है जुबान से। क्या सही है? स्टेज प्रोग्राम जो लोग करते हैं इस किस्म के, वो कहते हैं इसकी इब्तिदा होती है जुबान से। जब तक वो आदमी कुछ ना बोले सामने वाले का दिमाग कंट्रोल नहीं कर सकता। जो सामने वाले का दिमाग कंट्रोल कर सकता है वो बहुत कुछ वो चीजें दिखा सकता है जो वो देखना चाहता है या ये जो दिखाना चाहता है। इसको शब्दाबाजी कहते हैं। शब्दाबाजी भी जादू की 8-10 किस्मों से एक किस्म है। हाथ की सफाई, लगता है कि हाथ में कुछ नहीं है मगर उसके अंदर से कोई चीज निकल जाती है, ये हाथ की सफाई है। क्योंकि हकीकत में वो चीज उसके पास होती है, जो चीज निकली मगर मतलब हाथ खाली है फिर भी एक चीज निकल गई। तो इसके लिए बोलना जरूरी है। इसलिए जो हिप्नोटाइज जो करते हैं, जो छोटे दिमाग को जो कंट्रोल करते हैं, वो कहते हैं ये बात है, बोलना है, जिसके जरिए से इंसान सुनते 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 खो जाता है। उसके बाद जो कमांड उसके जिस्म को जो दिमाग देता है वो छोटा दिमाग है। तो बोलना, ये मैं ये बात इसलिए वाजा कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, अल्लाह हम बिलखसूस वो लोग जो दीन का काम कर रहे हैं अल्लाह उन्हें तौफीक दे कि अपनी बात जो है सच्ची है इसके अंदर ऐसी तासीर पैदा कीजिए कि लोग सुनने के बाद उसे मगन हो जाए कि हाँ ये बात हक है। जबकि हम हक पेश कर रहे हैं, इसके पर खिलाफ हम देखते हैं कि जो उलमाए सू है बातिल पर है, बातिल को जब पेश करते हैं मार मार कर पटक पटक कर माइक में इतना चीखते हैं कि वो माइक में जो है ना माइक स्पीकर वो माइक पला रहता बोला ना बस कर दो मैं फटने वाला हूं बातिल पर हरा के। और अवाम उनकी तो बस झूम उठती है, कहते हैं बस झूमो हमारे साथ, और ऐसा घुमा देते हैं कि बातिल हक नजर आता है। हम हक हमारे पास है और हम हक को पेश करना नहीं चाहते अच्छे अंदाज से। हमारे पास अल्लाह माफ करे बात बयान पर से निकली है, अक्सर दाइयों की बड़ी अजीब और गरीब ज़हनियत बनी हुई है। वो क्या है, बोलते हैं हक है तो बस पहुंचा दो। क्या कहते हैं, हमारा काम है पहुंचा देना, हक है तो पहुंचा दो। ये समझते हुए उन्होंने जो उसूल बनाया वो ये है कि वी आर जस्ट ए न्यूज रीडर। क्या बोलते हैं, वो हमारा काम है बोलना, तार 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 स्पीच देने खड़े हो जाते हैं, लिखा हो रहा था दर 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 पढ़ते हुए निकल जाते हैं, कौन सुने सुने नहीं सुने नहीं सुने समझे समझे नहीं समझे समझे, उससे कोई मतलब नहीं होता पहुंचाना। इसी तरह दावत तबलीग में जब किसी की इस्लाह करने को जाते हैं, अल्लाह ने कुरान में इस तरह कह दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि हदीस में इस तरह कह दिया, ये लो सारे दलाइल आ गए अब तुम सोचो। अरे ये तरीका नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि वो कुरान की बात उसके उसके समझ में आ जाए, उसके दिमाग में घुस जाए, तो उसे तरीका भी अपनाओ ताकि वो कुरान उसके लिए फायदेमंद हो। कुरान बस आते खुद अपनी जगह में फायदेमंद नहीं है, दाई के लिए जब वो उसको उस अंदाज से पेश करता है तो फायदामंद होती है। आप गौर कर सकते हैं आप सल्लम की समल पर, आप सल्लम के आगे बहुत आप सल्लम के ऊपर बहुत सारा कुरान नाजिल हो चुका था, और आप सल्लम ने काफिरों के दरमियान अलग आयत इस्तेमाल की तिलावत के लिए, सहाबा बैठे हुए तो अलग आयत इस्तेमाल की तिलावत के लिए। क्यों? कुरान तो कुरान है। कुछ जगह पर आप सल्लम सूरह तूर की तिलावत की, कुछ जगह पर आप सल्लम ने सूरह नजम की तिलावत की, ईसाई बादशाह के पास चले गए तो सूरह मरियम की तिलावत की गई सहाबा ने। क्यों? क्योंकि कुरान को पेश करने का अंदाज चाहिए, अहदीस को पेश करने का अंदाज चाहिए। वरना ऐसे लोग जो उल्टे घड़े हैं, जो कुरान हदीस सुनना ही नहीं चाहते, हम उनके आगे अगर उसको उंडेल दे तो जाहिर सी बात है वो घड़ा कभी भरने वाला नहीं है, और हम इस तरह कुरान हदीस को जाया करेंगे। इसकी बेहतरीन मिसाल ये है कि दाई जो है किसान की तरह होता है, दाना बजाते खुद कोई पौधा नहीं बन सकता ना उसमें गल्ला उग सकता है, दाने में बजाते खुद वो कोई पौधा नहीं बन सकता और नहीं उससे कोई गल्ला निकल सकता है। जब तक के किसान उसको सही जमीन में न बोए सही सिस्टम और तरीके से, और कुदरती पानी का या सिंचाई का इंतजाम न करे, और उसको खाद पानी और सही माहौल और चिड़ियों से कीड़े मकोड़े जब तक न बचाए, वो दाना फायदामंद नहीं होता है। होता है अलग एक दाना है। किसान कहे कि मैं क्या, मैं तो किसान हूं, देने वाली जात अल्लाह की, लाए और सारे दाने पूरे खेत में बिखेर दे, उछाल कर फेंक दे, अल्लाह दे दे, अक्सर दाने जाया हो जाएंगे, एक आध जो उगेंगे वो भी बड़े कमजोर रहेंगे, कुछ जो उग पाएगा वो भी कमजोर रहेगा। क्यों हुआ ऐसा जाया? सही तरतीब नहीं लगा। इसी तरह दाई के पास कुरान और अहदीस ये सोने और चांदी हीरे मोती से ज्यादा है, इसको सही जगह ही दे,
जहां बंजर जमीन है वहां तुम डालेंगे, ये जाया हो जाएंगे। लोग इसके खिलाफ उलट दिमाग लगाएंगे, इस आयत का मफहूम कैसे उल्टा पेश करूं, इस हदीस को कैसे मैं रद्द करूं, इसका गलत मफहूम कैसे पेश करूं, लोग इसमें दिमाग लगाएंगे, क्योंकि जमीन बंजर है। बोलने का जो मकसद है कि बयान तकरीर इस अंदाज से की जाए कि लोगों को हर आम और खास को समझ में आए और उससे उन्हें फायदा हो। बयानों में सिर्फ जो है पढ़ लेना, बोल देना मेरा काम नहीं है, तुम सोचते बैठो, मेरा काम था बोल देना था, बोल दिया, अब तुम सोचो, ये रवैया एक दाई के लिए, एक मुकर्रर के लिए, एक बयान करने वाले के लिए बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अल्लाह और उसका रसूल चाहते हैं कि दीन की बात करो तो इस अंदाज से करो कि हर आम और खास, हर छोटा और बड़ा उसको समझ सके। यहाँ तक कि सहाबा खुद कहते हैं कि नबी सल्लम जब भी कोई बात करते और अहम बात होती तो आप सल्लम उसी एक बात को तीन बार दोहराते। क्यों दोहराते? इसलिए कि एक शख्स वो होता है जो पहली बार सुनते ही उसको समझ में आ जाता है उसका मफहूम, उसका असल मगज उसको समझ में आ जाता है। उसके बजाय एक वो होता है जिसको दो बार सुनने के बाद दो बात समझ में आती है, तीसरा वो है जिसको तीन बार सुनने के बाद पूरी तरह बात वाजा हो जाती है, या फिर हो सकता है पहली बार किसी ने बराबर से सुना ही नहीं, दूसरी बार सुनने पर उसने गौर किया। अलबत्ता आप सल्लम इस तरह के भी इस किस्म के तरीके भी इस्तेमाल करते थे कि बात को दोहराते थे। तो ये आप सल्लम का तरीका, सहाबा का तरीका कि बात को वाह करके खूब एक्सप्लेन करके बयान करना चाहिए ताकि छोटी बात भी हो तो समझ में आ जाए, टिपिकल और मुश्किल बात है, दकीक बात है वो भी आसानी से हर आम और खास को छोटे बड़े को समझ में आना चाहिए, उसी को बयान कहते हैं। तो अल्लाह तआला कहता है हादा बयानुल लिन्नास, ये जो क्या है ये बयान है लोगों के लिए। किसके लिए? लोगों के लिए। किसकी तरफ इशारा किया अल्लाह ने? कुरान की तरफ। कुरान जो नसीहत करता है बिल्कुल बात वाज़ह होती है। देखिए ये आम चीज़ों तरफ अल्लाह ने इशारा किया, आम नसीहतों की तरफ, क्योंकि ऊपर भी अल्लाह ने आम नसीहत की, हालांकि कुछ आयतें मुतशाबिहात भी हैं इसमें, कुछ आयतें मुहकमात भी हैं। अल्लाह तआला ने ये बात तब कही जब आम नसीहतें चल रही थी कि देखो मुसीबतें आए तो सब्र करो, अंजाम कार मुत्तकियों का अच्छा होने वाला है और जो मुकद्दमीन है उनका अंजाम हमेशा बुराई होगा। ऐसे वक्त अल्लाह ने कहा कि कुरान बात को वाजा करता है, क्योंकि ये बात अल्लाह तबारक तआला ने इस किस्म की नसीहतें कुरान मजीद में कईयों जगह अल्लाह ने की हैं, एक ही बात को बार बार अल्लाह ने दोहराया, यहाँ तक कि खुद अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है कि हम एक ही बात को बार बार दोहराते ताकि याद दहानी हो जाए। ये बात तुमने सुने थे, फिर से सुनो और गौर करो, यही अंदाज होना चाहिए। अल्लाह कहता है हादा बयानुल लिन्नास, और खासियत क्या है इस आयत के टुकड़े की? अल्लाह कहता है ये अवाम के लिए बड़ी अच्छी नसीहत है, इसमें बयान है, वाजा बातें हैं, और हम इसका तर्जुमा क्या करते हैं कुरान के ताल्लुक से, हादा बयानुल लिल्उलमा, ये बड़ी वाजा बयान करता है उल्मा के लिए। इसलिए लोग बोलते हैं कि खाली उल्मा पढ़ना, अवाम नहीं पढ़ना, उल्मा पढ़ेंगे तो 10 साल पढ़ने के बाद भी नहीं समझता तुमको क्या समझेगा। ऐसी बातें लोग करते हैं कि 10 साल मदरसे में डालने के बाद उनको कुरान समझ में नहीं आया तुमको क्या आएगा। अल्लाह कहता है उल्मा को छोड़ो, फला को छोड़ो, फला मुफ्ती को छोड़ो, अल्लाह कहते हैं कुरान अवाम के लिए भी वजाहत करता है। लिन्नास का तर्जुमा होता है कॉमन पीपल, कॉमन पीपल के लिए आम मफहूम अंदाज से समझाता है। अब जाहिर सी बात है जो अरबी जुबान है वो हमारी जुबान नहीं है, तो मादरी जुबान जो हमारी, अगर उसमें तर्जुमा मिल जाए तो वाकई बात समझ में आ जाएगी, कोई मुश्किल बात नहीं है। जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 40 साल से पढ़ रहे थे, अब अरबी जुबान है, खुद की जुबान नहीं थी, जाहिर सी बात समझ में नहीं आएगी, 40 साल 50 साल के बाद उसका तर्जुमा आ गया, सब तारीफ अल्लाह के लिए जो सारे आलम मुकर्रब है, अब बात समझ में आ गई, कौन सी मुश्किल बात है इसमें, अब इसके लिए कौन सा आलिम लग रहा है, कौन सा मुफ्ती लग रहा है, कोई नहीं लग रहा, सब तारीफ अल्लाह के लिए, हाँ यार तो मैं भी मानता हूँ, मान रहा है क्योंकि हकीकत है। इतनी सीधी सारी बात कुरान समझाता है, हर आम खास समझ लेता है, मगर लोगों ने इसके खिलाफ या फिर खुसूस शैतान ने ऐसी चाले चली, इसके खिलाफ ऐसे प्रोपेगंडे बनाए कि अवाम तो अवाम खवास भी इस कुरान से भागते हैं, खास लोग भी इसको नहीं पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा ना बारह कि मैंने बाकायदा पर्सनली ऐसे
मदरसे से फारिश होता उलमा के, मैं उन पर तनकीद नहीं कर रहा हूँ मगर जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ, उन्हें घरों पर जाना हुआ तो उनके पास किताबों के ढेर लगे हुए लाइब्रेरी है। मैंने उनसे पूछा कि कुरान का तर्जुमा कौन सा है, तो हम आलिम हमको ज़रूरत नहीं है। चलो ठीक है, तफसीर कौन सी है, तो ये हमारे मसलक की है बोले 50 जिल्दों में। कब पढ़े, एक आध बार कहीं पढ़ लेते हैं, उसकी भी तौफीक नहीं मिलती है, उसकी भी तौफीक नहीं मिलती है। अहादीस किताबें एक भी नहीं मिलती है, एक आध जिल्द। बाकी की जो किताबें भरी हुई है लाइब्रेरी में वो 10 साल पहले लिखी हुई किताब, 1 साल पहले लिखी हुई किताब, जो आज मौलाना जिंदा है उनकी लिखी हुई किताब, 100 साल पहले मर गए थे मौलाना उनकी लिखी हुई किताब, छोटी मोटी ऐसी किताबों से पूरी लाइब्रेरी भरी हुई है। नहीं है तो क्या नहीं है, कुरान नहीं है, नहीं है तो अहादीस नहीं है। इनसे कहा जाता है कि भाई ये किताबें क्यों, क्योंकि अवाम को तो ये कहकर धोखा देते हैं कि भाई अभी तुम पहली में है इसलिए छोटी छोटी किताबें पढ़ो। मैं पूछता हूँ मौलाना आपने अभी तक पहली पास नहीं किए क्या, आपने 10 साल मदरसे में डाल दिए, 20 साल से आप मदरसे में पढ़ा रहे हैं और अभी भी आप छोटी छोटी किताबें पढ़ रहे हैं, 10 साल पहले लिखी हुई, 20 साल पहले लिखी हुई, 50 साल पहले लिखी हुई। अरे 14 साल पहले जो कुरान है उसको आपने कितनी मरतबा पढ़ा, अहादीस किताब है सही बुखारी सही मुस्लिम कितनी बार आपने मुताल्लिया किया इन 40 सालों में। अल्लाह माफ करे, हकीकत है, कहते नहीं किया मैंने। मुहद्दिस क्या लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, हदीस क्यों लाते हैं नहीं पता होता है। ये जो हकीर, मैं उन उलमा की बात नहीं कर रहा जिन्होंने पढ़ा है, मैं उन पर बिल्कुल तंज नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने पढ़ा है, जिसको जो जिन्होंने इसको अपनी जिंदगी में लाया है, अमल किया है, इसी के मुताबिक लोगों को अहकाम भी देते हैं, उनके बारे में नहीं कर रहा, उनके बारे में जो सिर्फ नाम को फारिग शुदा है, न कुरान पढ़ा है न हदीस पढ़ी, बाकी की ढेरों किताबें पढ़ी हैं। ऐसे ही लोग शैतान की चाल में भी आ जाते हैं, शैतान ये समझाता है कि देखो कुरान समझने किताब नहीं है, पढ़ेंगे तो गुमराह हो जाते हैं, अवाम भी दूर है और खवास भी दूर है। अल्लाह कहता है कि ये बयान है, वादह करने वाला कुरान है आम लोगों के लिए भी, इसका मतलब खास तो पढ़ ही सकते हैं। क्यों अल्लाह पाक ने आम लोगों का एक मिसाल दे देता हूँ, माशाल्लाह यहाँ पर वो लोग भी है, वो लोग भी यहाँ पर है मौजूद जो बात को समझाने में काफ़ी अच्छे माहिर है, समझाते रहते हैं अपने अपने तलामीज़ को, अपने स्टूडेंट्स को। एक मोटा उसूल मैं बतलाता हूँ, एक क्लास में अगर 10 बच्चे हों और उनका उस्ताद उन्हें पढ़ा रहा है, अगर उनका उस्ताद ये उसूल के साथ पढ़ाए कि इन 10 लोगों में जो सबसे सियाना है उसके बाद समझ में आ जाए, अगर इस उसूल के साथ पढ़ाए तो मैं कहूँगा वो उस्ताद फेल है, क्योंकि वो अकेला शागिर्द नहीं है। उस उस्ताद के इल्म का, इल्म हासिल करने हक वो 9 लोग भी रखते हैं जो ज्यादा अकलमंद नहीं है। तो सही अकलमंद उस्ताद वो है जो उस बच्चे को टारगेट करे जो सबसे ज्यादा सबसे कम समझने वाला है, जिसकी सलाहियत सबसे कम है, अगर उसके लेवल का अगर ये 1 घंटे का लेक्चर दे सकता है तो यकीनन वो पूरे 10 के 10 समझ सकते हैं। ये बात क्यों समझा रहा हूं, मिसाल अल्लाह ने बयानुल्लिनास कहा, यानी उस आम फहम आम एक सबसे कम लेवल का स्टूडेंट अगर समझ सकता है बात को तो जाहिर सी बात है हाई लेवल का तो समझेगा ही, दरमियानी वो भी समझ जाएंगे। तो अल्लाह ने कहा कुरान आम लोग समझते हैं, अब आप बताओ उलमा समझेंगे कि नहीं समझेंगे। ये बात अगर स्टूडेंट में फिट हो सकती है तो इंसानों में क्यों फिट नहीं हो सकती। बयानुल्लिनास इसमें बड़ी वाज़ह नसीहतें हैं अवाम के लिए, हुदं व मौइज़ातुन लिलमुत्तकीन, और इसमें वाज़ है नसीहतें हैं इनके लिए, मुत्तकियों के लिए, डरने वालों के लिए। जाहिर सी बात है जो डर डर कर फूंक फूंक कर कदम रखे वही नसीहत भी कबूल करता है, जो बिंदास हो वो कहता है बस जिंदगी मिली है एक बार जी लो, उसके अंदर तकवा नहीं होता, उसके अंदर डर नहीं होता, उसके लिए नसीहत भी काम नहीं आती है। मिसाल के तौर पर एक पुलिस वाले ने एक चोर उच्चक को पकड़ लिया, रात भर जेल में रखा और सुबह नसीहत की कि देख दोबारा ये काम मत करना, वरना इस बार एक रात रखा है कल जो है 2 रात रखूंगा। उसने कहा ठीक है शुक्रिया, ठीक है शुक्रिया, मगर क्या करूं, जीना भी तो है, पेट के लिए कुछ तो करना ही है, मैं कोशिश करूंगा
कोशिश करूंगा कि दोबारा आपके हाथ में आओ। क्या होता है वो, दोबारा आपके हाथ में आओ। यही बात बहुत सारे लोग यही जुमला कब बोलते हैं पता है, हमारे लोग भी अवाम ट्रैफिक पुलिस वाले के पास, साहब इस बार छोड़ दो, अगली बार आपके हाथ में आऊंगा, अगली बार वैसा ही चौक चौका। तो उसको नसीहत क्यों वादा नहीं दे रही है, क्योंकि वो डर कर जीना ही नहीं चाहता। मुत्तकी वो है जो डरने वाला है, ये बात याद रखिए। ये डर ये अलग किस्म का डर है, ये ईमानी डर है, अल्लाह की जात का डर है। उसको अल्लाह की जात का डर होता है, वही असर तकवा है, और उसको नसीहत फायदा देती है। और ईमान वालों के ताल्लुक से अल्लाह ने आम उसूल बयान किया कि वो मुत्तकी होते हैं। इसलिए तो अल्लाह ने कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लम आप नसीहत करते रहिए, तनफउल मुमिनीन, क्योंकि नसीहत मोमिनों को फायदा देती है। क्यों, मोमिन के अंदर तकवा होता है, जिस लेवल का भी हो मोमिन के अंदर तकवा होता है, उसको नसीहत फायदा देती है। तो अल्लाह कहता है कि ये कुरान नसीहत करती है, मौइज़ा वाद और नसीहत इसमें भरी हुई है, बिलखुसूस उनके लिए जो मुत्तकी है। ये दो आयतें, इन दो आयतों अल्लाह तबारक तआला ने बिलखुसूस सहाबा को ये तयक्कुन दिया, ये भरोसा दिया, ये दिलासा दिया, ये इत्मीनान कल्ब की बात अल्लाह ने की कि ऐ नबी के सहाबा डरो नहीं, खौफ न खाओ, जो तकलीफ तुम्हें हुई है उस पर सब्र करो, क्योंकि जो तकलीफ तुम्हें हुई है वो वक्ती है, अंजाम कार तुम्हारा बेहतर होने वाला है। और तुम्हारे मुकाबले में जो कुफार है मक्का, मुशरिकीन मक्का है, उनका अंजाम बुरा ही होने वाला है। जैसा कि मैंने कहा कि दोनों आयतें गज़वे उहद के ताल्लुक से नाजिल हुई है। गज़वे उहद में मुसलमानों का लश्कर 700 अफराद पर मुश्तमिल था, है ना। 1000 लोग तो निकले थे, 1000 लोग मदीना से निकले थे, मगर उहद के करीब आने आने तक मुनाफिकों का सरदार अपने 300 टोली को लेकर अलग हो गया, 700 सहाबा बच गए, जिसमें से 50, गौर कीजिए गज़वे उहद का नक्शा आप क्या कर रहा हूँ ताकि ये आयतें समझ में आ जाए, क्यों अल्लाह तआला दिलासा दे रहा है। इस बात को मैं सबसे आखिर में इसलिए रख रहा हूँ कि ये समझाते हुए मैं कहीं और निकल सकता हूँ। मैं इसलिए मैंने सबसे पहले उस फोन आया था जो नसीहतें मिलनी चाहिए वो नसीहत मैंने पहले रख दी। अब असल वाक्य की तरफ चलते हैं, उसके पास मंजर की तरफ चलते हैं। 700 सहाबा में 50 सहाबा जो बड़े माहिर तीर अंदाज थे, उनका एक दस्ता आप सल्लम ने अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़ियादत में एक पहाड़ी पर मुकर्रर कर दिया। मैंने इससे पहले भी गज़वे उहद का एक छोटा सा नक्शा खींचा था, किस तरह उहद जो पहाड़ है उसके दामन में ये जंग हुई, उसकी वादी में ये जंग हुई। ये जो वादी है, मैदान है जहां पर जंग हुई, इस तरफ से मक्का के लोग आए थे, इस तरफ से मदीना के लोग आए और उहद के मुकाम पर रुक गए। लेफ्ट साइड में एक टीला टाइप का बड़ा पहाड़ नहीं होता है, वो थोड़ा सा ऊंची पहाड़ी, एक टीला जिसको कहते हैं, वो था जो मदीना ही की तरफ रुक किए हुए था, वो इस साइड था। आप ने 50 तीर अंदाजों को उस पर मुकर्रर किया, क्योंकि उस टीले के बीच में से एक रास्ता था पतला सा, वहां से दुश्मन हमला कर सकता था, बिलखसूस घुड़सवार, क्योंकि वो पहाड़ों के बीच में जगह थी। तो यहां से दुश्मन आए, मुसला इधर से आए, लड़ाई शुरू हो गई। अब आप सल्लम को एक जो शक था, एक जो डाउट था, ये था कि हम तो यहां लड़ रहे होंगे और आप सल्लम इधर बैठे हुए हैं ऊंचाई पर, ये जो रास्ता है जिससे दुश्मन पीछे के रास्ते से होकर अगर हमारे पीछे आ जाए दुश्मन की एक टुकड़ी, तो हम तो आगे और पीछे दोनों तरफ के चक्की के दो पात के दरमियान हम पीछे जा सकते हैं। ये आप सल्लम को शुभा था, इस बात का शक था। तो आप सल्लम ने इस मसले के हल के लिए 50 सहाबा को इस टीले पर मुकर्रर कर दिया, कहा कि देखो तुम्हारा एक ही एक काम है। क्या कहा सल्लम ने 50 सहाबा को मुकर्रर कर दिया
किसके, अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की क़ियादत में। आहिने ताकीद कर दी कि चाहे और कीजिए, हर सीरत निगार ने अल्फाज नोट किए हैं, सुनहरे अल्फाज से इसको लिखा है, हर सीरत निगार ने हर तारीख में अल्फाज मिलते हैं। क्या कहा आसो सलम ने, कहा कि ताकीद करते हुए कहा कि चाहे हमें फतेह हो या शिकस्त, तुम यहां से न हिलना। ये आसो सलम की सबसे बड़े सिपे साला, आसो सलम सबसे बड़े हाकिम, सबसे बड़े फौज के कमांडर, सब कुछ आसो सलम, वो ताकीद कर रहे हैं, कह रहे चाहे हमें फतेह हो चाहे शिकस्त हो, इस जगह से नहीं हिलना। और तुम्हारा काम यह है कि जो घुड़सवार तुम्हारी तरफ से आए, तीरों से उसे पीछे ढकेल देना। मकसद तीर चलाना क्या है, मारना ही जरूरी नहीं है, उन्हें पीछे से आने नहीं देना और पीछे ढकेल देना, यह तुम्हारा मकसद है। लेकिन जब जंग शुरू हुई, 700 मुसलमान और कुफार कितने, इसने याद रखा है कुफार कितने, 3000 के करीब कुफार थे, भूल गए, 3000 के करीब कुफार थे, हैं तिगना थे ना, तीन गुना थे। अब जब जंग शुरू हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की नुसरत और मदद से ये 700 मुसलमान ही काफी हो गए, 700 में से 50 कम कर दीजिए, ठीक है मैं 700 बोल रहा हूँ, 700 मुसलमान ही काफी हो गए। और इतना खूब खदेड़ दिया दुश्मनों को कि दुश्मन बेतहाशा पागल की तरफ भागने लगे, कोई मक्का की तरफ कोई मदीना की तरफ, पूरी उनके अंदर भगदड़ मच गई। मुसलमान सहाबा काफी हो गए उनके लिए, यहां तक के दुश्मन जो है शिकस्त और हार की वजह से दौड़ने लगे। तो जो टीले पर जो सहाबा बैठे थे, उन्होंने ये मंजर देखा तो कहा कि आसो सल्लम ने हमें जो ताकीद की थी वो जंग के दरमियान के जंग तो खत्म होगी, दुश्मन भाग रहे हैं, हमारा रुकना क्या फायदा है, लोग तो माल गनीमत तक लूट रहे हैं। माल गनीमत कब लूटा जाता है, जंग के इख्तिताम पर, लोग माले का नहीं लूट रहे, हम क्यों पीछे रहे। बना लेकिन जब मुसलमान फतेहयाब हो गए ना, और माल और असबाब समेटने लगे, तो इस दस्ते में इख्तलाफ पैदा हो गया। 50 लोगों की जो टुकड़ी थी उसमें इख्तलाफ पैदा हो गया। कुछ कहने लगे कि नबी सल्लम के फरमान का जो मकसद था वो ये था कि जब तक जंग जारी रहेगी यह जमे रहना, लेकिन जब ये जंग खत्म हो गई है और कुफार भाग रहे हैं तो यहां रहना जरूरी नहीं है। चुनांचा उन्होंने भी वहां से हटकर माल और असबाब जमा करना शुरू कर दिया, नीचे उतर आए और माल असबाब जमा करना शुरू कर दिया। और वहां नबी के सल्लम के फरमान की इताअत में सिर्फ और सिर्फ 10 आदमी बाकी रह गए, 50 में से 40 लोग इस गलत फहमी का शिकार हो गया, इख्तलाफ हो गया कि वो मैदान में उतर आए माल गनीमत जमा करने के लिए। 10 सहाबा ने आप सल्लम के मकसद को सही समझा। यहाँ पर सहाबा की गलती बतलाना मकसद नहीं है, इख्तलाफ हुआ, ये जहनी इख्तलाफ हो सकता है, वक्ती इख्तलाफ हो सकता है, अल्लाह ताला इससे बहुत सारी नसीहतें बतलाना चाहता है। इस रहती दुनिया तक इंसानों को, मुसलमानों को, अल्लाह उसके रसूल के मानने वालों को, अल्लाह उसके रसूल के नहीं मानने वालों को, सबको ये नसीहत देना चाहता है कि देखो मेरे नबी की एक बात न मानने पर फतेह शिकस्त में बदल सकती है। तुम तो कईयों बातें उनकी दरगुजर कह छोड़ देते हो, इसी लेते हो, कईयों सही हदीसों को कह देते हो कि हमारे मसलक की नहीं है, तुम्हारा हाल क्या होगा, क्या होने वाला है तुम्हारा हाल। तो कितने 10 सहाबा आप सल्लम के सही मकसद को समझे हुए उसी पर डटे रहे, जिसका फायदा काफी उन्होंने उठाया। और इनके घुड़सवार पलट कर वहां से मुसलमानों के अकब से जा पहुंचे। उस वक्त खालिद बिन वलीद अभी मुसलमान नहीं हुए थे, जबरदस्त जंगदू और बहादुर सिपे सालार थे, घुड़सवार थे,
घुड़सवारों के सिपे सालार थे। इस मौके का फायदा उठाया, जो भाग रहे थे पहाड़ी के पीछे से उस पगडंडी की तरफ आ गए, और यहां से 10 ही सहाबा थे, 10 पर काबू पाना आसान था, पीछे से आ गए और फिर अचानक उन 10 सहाबा पर कामयाबी हासिल करके मुसलमानों के पीछे से अचानक हमला कर दिया, जिससे मुसलमानों में अफरा तफरी मच गई। अब जाहिर सी बात है, एक मुसलमान पूरे जोश के साथ लड़ रहा हो तो चाहे सामने से आए दुश्मन, चाहे पीछे से आए, चाहे दाएं से चाहे बाएं से, वो अलर्ट होता है। जो मुसलमान लड़ना छोड़कर माल गनीमत लूट रहा है, उसको सिर्फ लूटने की धुन होती है, लेने की धुन होती है, किसी के हमले की कोई परवाह नहीं होती। इसी का फायदा कुफार ने उठाया, अचानक हमला कर दिया, जिससे मुसलमानों में अफरा तफरी मच गई और वो गैर मुतवक्का हमले से सख्त सरासीमा हो गए, डर गए एकदम, और बहुत बुरा हाल हो गया उनका, बिखर गए, जिससे मुसलमानों को कुदरती तौर पर बहुत तकलीफ हुई, कुदरती तौर पर बहुत तकलीफ हुई। इन आयत में अल्लाह तबारकुल्लाह यही इसी बात की तसल्ली दे रहा है मुसलमानों को कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो कोई नई बात नहीं है। अचानक इनका हमला करना, सहाबा का बहुत सारे सहाबा कत्ल किया जाना, बहुत तकलीफें हुई, तो अल्लाह कहता है कि ये तुम्हारे साथ कोई नई बात नहीं है, पहले भी ऐसा होता आया है मुसलमानों का, ईमान वालों का, नबी के मानने वालों का, नबी के ताबेदारों का नुकसान हुआ है, मगर वो नुकसान वक्ती होता है, हमेशा के लिए नहीं होता, और अंजाम जो है हमेशा मुकद्दमीन का बुरा होता है, मुत्तकियों का अच्छा ही होता है। चाहे तो तुम पिछला निकाल कर देख लो, बिलाखिर तबाही और बर्बादी अल्लाह उसके रसूल की तकदीब करने वालों का ही मुकद्दर बनती है। तुम फसीरु फिल अर्ध, जमीन में सैर करके देख लो, मुकद्दमीन का अंजाम ही हमेशा बुरा हुआ है। अल्लाह ने इस बात की असल में तसल्ली दी, क्यों? क्योंकि फिर अल्लाह तआला ने इंशाल्लाह आगे आयत आने वाली है, इशारा इसलिए दे रहा हूँ वरना बात अधूरी हो जाएगी, कि फिर अल्लाह तआला ने अपनी खास मदद से मुसलमानों को फिर बाद में फतेह दी। इतना सब होने के बाद ही, चक्की के दो पाठों के दरमियान मुसलमानों का आपस में पिसने के बाद भी, दुश्मन का करीब करीब गलबा पाने के बाद भी, फिर से अल्लाह तआला ने मुसलमानों को ही फतेह दी। अंजाम कार बेहतर किसका हुआ? मुत्तकियों का। और फिर से गज़वे उहद में भी कुफार फिर शिकस्त खा गए, फिर मुखी खा गए, फिर कुफार का बहुत नुकसान हुआ। लेकिन जब हो गई जंग तो सहाबा इस बात पर कुछ अफसोस कर रहे थे कि हमने एक तो अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की, और हमारी गलती का ये नुकसान हुआ कि हमारे अक्सर सहाबा जो है, साथी जो है, मारे गए, बहुत सारा नुकसान हुआ। अफसोस करे तो अल्लाह ने कहा जो हो गया वो हो गया, वो तकदीर का हिस्सा था, अफसोस न करो, अंजाम का अच्छा हमेशा मुत्तकियों का होता है और मुकद्दबीन का झुठलाने वाले का अंजाम हमेशा बुरा होता है। तो इन्हीं आयत में अल्लाह तआला ने यही नसीहत की सहाबा को। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह तआला हमें कुरान को सही समझने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाकुल दावाना अनिल हमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।